गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास फर्स्ट. सो लेट्स सी, टुडेज टॉपिक इज एडिंग थ्री नंबर्स ऑफ द सेकेंड चैप्टर. द सेकेंड चैप्टर नेम इज एडिशन अप टू 10. ओके, so let's start today's class. Okay, see, adding three numbers means तीन संख्याओं को जोड़ना. Okay, so let's here see, here is how many picture, 1 2, so here 2, and how many here, कितने यहाँ पर, 1 2 3. Okay, so here is 3. तो 2 + 3 व्हाट गेट, 5. ओके, नाउ हियर इज 3, सो हियर इज रिटेन एज 3. एंड नाउ दिस 3 एडेड इन 5, व्हाट वी गेट, 8. ओके, जब हम इस 5 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 8. ओके, सो ऐसे ही हमें नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं. लेट्स सी how we do it. Add the following. I am doing one for you. मैं आपके लिए एक करता हूँ. ध्यान से देखिए. 1 + 5 + 0 equal to what? है ना? तो यहाँ पे ध्यान से समझिए. पहले किसको सॉल्व करना है, फिर किसे सॉल्व करना है. ठीक है? सो पहले फर्स्ट और फिफ्थ को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. मींस 1 + 5 हमें क्या मिल जाएगा, 6. ओके, नाउ अब इस 6 में थर्ड नंबर को ऐड करना है. तो थर्ड नंबर इज 0, सो राइट डाउन हियर 0. सो 6 + 0 इक्वल टू व्हाट, 6. ओके, एंड हियर इज आल्सो व्हाट, 1 + 5, what we get, 6, and 6 + 0, what we get, 6. Okay, like this you can do this. Okay, here are questions based on this, hai na, is par based questions hai, isse aapko karna hai, it's your homework. Okay, now come to next. See on this word problems, you know, प्रॉब्लम्स मीन्स समस्या. क्या समस्या, या आप बोल सकते हैं प्रश्न. ओके, सो लेट्स सी, वर्ड सम मीन्स शब्दों की समस्या या शब्दों के रूप में प्रश्न. ओके, सो लेट्स सी, अ वर्ड प्रॉब्लम्स इज लाइक अ स्टोरी. जो वर्ड प्रॉब्लम होता है वो कैसा होता है, ये स्टोरी की तरह होता है. यू नो स्टोरी, यस, स्टोरी मीन्स कहानी. ओके, गुड. नाउ वी हैव टू रीड इट केयरफुली टू अंडरस्टैंड व्हाट इट सेज एंड देन डू द एडिशन ऑफ द नंबर्स टू फाइंड द सम. ओके, वी हैव टू रीड इट, हमें उसको बड़े सावधानी से पढ़ना है, फिर अंडरस्टैंड उसको समझना है, पढ़ना है ध्यान से और समझना भी है. व्हाट इट से, वो क्या कह रहा है, एंड देन डू द एडिशन, तब उसके बाद आप क्या करिए, एडिशन. ठीक, किसका, संख्याओं का, क्या करने के लिए, उनका सम फाइंड आउट करने के लिए. ओके, नाउ कम टू सी द एग्जाम्पल. देयर आर 4 मैंगोज. क्या है, 4 आम है, एंड 3 पोमेग्रेनेट. कितने पोमेग्रेनेट मीन्स 3 अनार है, इन अ बास्केट. ये क्या है, टोकरी है, टोकरी में कितने अनार, 1 2 3 एंड 1 2 4 मीन्स 4 मैंगोज है.
ओके नाउ हाउ मेनी फ्रूट्स इन ऑल, तो इसमें पूरे बकेट में मिलाकर कुल कितने फ्रूट हुए, ठीक है। तो व्हाट वी शुड डू, हम लोग इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। ओके सो लेट्स सी हियर, 4 मैंगोस, 3 पोमेग्रेनेट, ठीक। नाउ सी 4 प्लस 3 व्हाट वी गेट, 7, दिस इज रॉन्ग, हियर विल बी 7। ओके सी हियर देयर आर 7 फ्रूट्स इन ऑल, आपको आंसर ऐसे ही लिखना है। ओके ऐड करने के बाद यहाँ पे लिखना होगा देयर आर 7 फ्रूट्स इन ऑल। ओके गुड, तो ऐसे ही आपको और क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप देख सकते हैं अपनी बुक में, है ना। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, इनको आपको क्या करना है, रीड आउट करना है केयरफुली, देन अंडरस्टैंड करना है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना है। ओके गुड, सो यू कैन डू इट ना, गुड। अगर आपको कोई भी वर्ड का मीनिंग नहीं आता हो तो डिक्शनरी से जरूर खोज लें और इसका पूरा मीनिंग समझिए, समझने के बाद आपको इसमें ऐड करना है। ओके सो ओनली अप टू दिस, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विथ न्यू टॉपिक। बाय बाय, टेक केयर।